Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new episode of Bottle Art. And in today's video, I'm going to make something with red, white and black as requested by one of my subscribers. For that, you will need 3 glass bottles of same shape. Before applying any color, make sure that the bottle is clean. Then you will need red acrylic color. For second bottle, black acrylic color, and for third, white acrylic color. I'm going to paint it with the help of this brush, which is number 8 brush, flat brush. Take first bottle and start painting it with white acrylic color. The color I'm using is Fevicryl white acrylic color and its price is 20 rupees. See, this is how it looks after 2 coats of white acrylic color. This is first one. This is second. I have painted with the black. And the third one, red. The shade of the red is crimson red. So let's start with the first one. For the red bottle, मैंने 2 coats white acrylic color के दिए as a base coat and then red acrylic color का 1 coat दिया हुआ है उस पर. और अगर आपको first coat देने के बाद ऐसा लगता है कि it's not looking smooth or it's not looking like finishing अच्छी नहीं है, तो आप 2 coat दे दो red acrylic color के. And remember one thing, जब तक first coat dry नहीं हो जाता पूरा, तब तक don't go for second one. And कितने भी, अगर आप 3-4 coat देते हो, तो जब तक पहले का coat पूरा dry नहीं हो जाता, second coat मत लगाओ, नहीं तो आपका जो acrylic color है, वो निकल जाता है. और ये चीज़ बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि acrylic color बाद में निकल जाता है, तो actually नहीं निकलता है बाद में. अगर आप पूरा dry होने के बाद उसको दूसरा coat दोगे तो वो नहीं निकलेगा. And one more thing, एक coat पूरा dry होने के लिए 6-8 hours लगते हैं, तो उतना आपको wait करना पड़ेगा. And अगर जो मैंने color दिया है वो मैंने exactly कैसे दिया है ये आपको देखना है, तो मेरा एक वीडियो है जो बॉटल आर्ट बेसिक्स का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में डाल देती हूँ. उसमें मैंने 4 मेथड्स बताए हैं, आप 4 मेथड अलग अलग मेथड्स से आप कैसे बॉटल पेंट कर सकते हो, विथ स्पंज, ब्रश, विथ ग्लास कलर्स और कलर्स बॉटल में डाल के आप कैसे कर सकते हो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसमें. तो वो वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने अब तक नहीं देखा होगा तो. सो कमिंग बैक टू दिस वन, ये ट्री निकालने के लिए आप 0 नंबर 1 नंबर के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो. आप 1 नंबर का फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो थिक ब्रांचेस के लिए. एंड सी, जो वाइट कलर की बॉटल है उस पर मैंने सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ किया है ट्री के लिए. रेड एंड ब्लैक के लिए व्हाइट कलर यूज कर रही हूं मैं. इस पे भी यस व्हाइट कलर. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जो व्हाइट कलर हम दे रहे हैं वो उतना फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती उसकी, तो आपको उस पे दूसरा कोट डालना पड़ेगा. सी, ये कलर्स इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी, आपके पास के स्टेशनरी शॉप में भी आपको ये कलर्स मिल जाएंगे, वाइट, ब्लैक एंड रेड. एंड बॉटल्स भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. एंड ये चीज़ भी मुझे बहुत लोगों ने पूछी थी कि आप हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल पे बनाते हो, आप ग्रीन या ब्राउन बॉटल पे नहीं बनाते. तो वैसे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने ग्रीन या ब्राउन बॉटल्स यूज़ किए, तो ये वाला जो सेट है उस पर आप ऐसी वाली बॉटल्स यूज़ कर सकते हो.
and even you can try with different shapes. Different shapes में भी ये वाला जो method है वो अच्छा दिखेगा. So this is also done. उसके बाद मैं जूट रोप बॉटल के ऊपर के साइड में लगाने वाली हूँ तीनों बॉटल के. जूट रोप लगाने के लिए आप फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हो, प्लस हॉट ग्लू गन भी आप यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल फेविकॉल से वो इतने अच्छे से नहीं चिपकता. तीनों बॉटल को जूट लगा के हो चुका है. एंड द लास्ट स्टेप इज अप्लाई वार्निश. सी हियर आई एम यूजिंग ग्लॉस वार्निश, लिटिल बर्डी का जो आता है ग्लॉस वार्निश, इसमें मैट फिनिशिंग भी है एंड इसका प्राइस है 250 रुपीज. आपको अगर ग्लॉस फिनिश चाहिए तो आप ग्लॉस वाला वार्निश यूज़ कर लो, और अगर मैट चाहिए तो मैट वाला यूज़ कर लो. प्लस आप वुड वार्निश भी यूज़ कर सकते हो, एशियन पेंट्स का ये जो आता है क्लियर सिंथेटिक वार्निश. बस इससे आपको येलोइश टिंट आएगा. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. कुछ प्लांट्स रख दो उसमें या फिर कुछ फ्लावर्स रख दो एंड इट विल लुक ऑसम. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट्स वेरी 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 इजी. सो गाइस ट्राई दिस एंड शेयर योर क्रिएशंस विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon so that you will get notifications whenever I will upload any video. See you in the next video. Till then, bye bye.